तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एपिटैक्सी के बारे में एपिटैक्सी क्या होती है रिक्वायर्ड उसका क्लासिफिकेशन क्या है ये सब के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए तो आईसी फैब्रिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है इनगॉट को ग्रो करना सो फर्स्ट वी ग्रो इनगॉट बाई द मेथड ऑफ जोक्राल्स्की या ब्रिजमेन या फ्लोट जोन मेथड फिर उसको हम स्लाइसेस में काटते हैं एंड स्लाइसेस को फिर पॉलिश करना होता है टू रिमूव द सरफेस डैमेज अभी ये जो स्लाइसेस हैं इसमें हम सर्किट्स को नहीं बनाते हैं वी नीड टू ग्रो सम अपर लेयर जिसमें हम सर्किट्स बना सके uh, क्योंकि आपको पता है कि uh, जो इनगॉट में बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं और इम्प्योरिटीज होती है तो अगर इसमें माइक्रो सर्किट्स को हम बनाएंगे तो आ, हमें आगे प्रॉब्लम्स हो सकती है सो टू अवॉइड दो प्रॉब्लम्स वी क्रिएट अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अबव द सबस्ट्रेट ऑन विच वी कैन क्रिएट द माइक्रो सर्किट्स और जो हमारा वी होता है उसके जो सर्किट्स होते हैं दे नीड टू बी फैब्रिकेटेड ऑन अ हैविली डोप्ड सबस्ट्रेट्स तो Uh, वो वो सबस्ट्रेट्स हेवीली डोप्ड सबस्ट्रेट्स हमको कैसे मिलेंगे एपिटैक्सी के थ्रू तो हमें uh, जैसे जब हम वीएलएसआई को पावर अप करते हैं तो लाचप uh, का प्रॉब्लम आता है सो वी नीड टू अवॉइड दैट तो हेवीली डोप्ड मटेरियल को एपिटैक्सी uh, के थ्रू ग्रो कर सकते हैं सो हाउ डू वी डिफाइन एपिटैक्सी इट रिफर्स टू अ टाइप ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ

नाउ वी हैव वेरियस टेक्निक्स ऑफ डिपोजिशन जैसे सीवीडी पीवीडी तो सीवीडी पीवीडी और एपिटॉक्सी के बीच में क्या डिफरेंस होता है जो सीवीडी होता है वो हम एक एमॉर्फिस या पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर को ग्रो करने के लिए यूज करते हैं बट हम एपिटाक्सी यूज करते हैं सिर्फ एक क्रिस्टलाइन लेयर को ग्रो करने के लिए तो जैसे सिलिकॉन एक क्रिस्टलाइन लेयर बनाएगा गैलियम आर्सेनाइड एक क्रिस्टलाइन लेयर बनाएगा। तो हम एक क्रिस्टलाइन लेयर को दूसरे क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट के ऊपर ग्रो करते हैं तो जो हमारी एपी लेयर होती है सो दैट कैन बी एज एज फिफ्टी टू हंड्रेड माइक्रोमीटर इन सिलिकॉन पावर डिवाइसेस और जो गैलियम आर्सेनाइड की सबस्ट्रेट्स होती है उसमें हम जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर फॉर एफीज टू हंड्रेड माइक्रोमीटर फॉर सम ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन डिवाइसिस इतना थिक हम रख सकते हैं so all, जैसा, जैसे मैंने बताया आपको जोरासकी मेथोड से हमारा आ, हमारे सबस्टेट में काफी डिफेक्ट होते हैं तो उस डिफेक्ट को रेड्यूस करने के लिए हमें आ, ए, ए, एक एपिलियर चाहिए होती है नेक्स्ट इज क्लीन सर्विस फॉर डिब्रिकेन तो हम आ, हमें एक एक मिल जाती है high purity. High purity क्योंकि हम आ, एक को कर रहे हैं आ, जो कि हाईली प्योर लेयर है देन वी नीड टू रिमूव द अब्रप्ट इंटरफेसेस जैसे हमने आ, कभी पॉलिश किया तो कभी कभी आ, इ, आ,

जो हमारा लेयर है दैट बिकम्स ऑफ गुड इलेक्ट्रिकल क्वालिटी एक अच्छी इलेक्ट्रिकल क्वालिटी का लेयर बिल्ट होता है देन वी कैन ऑल्सो डिपोजिट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन क्रिस्टलाइन सबस्ट्रेट सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स सो नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एपिटैक्सी देर आर टू टाइप्स ऑफ एपिटैक्सी फर्स्ट इज होमो होमो एपिटैक्सी एंड अदर इज एपिटैक्सी तो कुछ नहीं है बस इट इज ओवरग्रोथ ऑफ आइडेंटिकल मटेरियल। हम लोगों ने सेम मटेरियल के ऊपर सेम मटेरियल को डाल दिया जैसे कि सिलिकॉन सिलिकॉन। तो इसमें क्या होता है कि हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। सिलिकॉन का जैसे डायमंड ला, लैटिस होता है तो हमने डायमंड लैटिस के ऊपर ही डायमंड लैटिस को डाल दिया सो so, uh, उसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर uh, है क्रिस्टलाइन uh, स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है कंपैटिबिलिटी या मिसमैच की बिकॉज़ ऑफ द ओरिएंटेशन या केमिकल प्रॉपर्टीज लैटिस पैरामीटर्स या क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो हमने ग्रो किया है सबस्ट्रेट के ऊपर दैट एक्सिस्टस हेट्रो एपिटैक्सी है सिलिकॉन एंड सफायर सफायर इज Al2O3 तो अभी सफायर का हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लैटिस होता है एंड सिलिकॉन का डायमंड लैटिस होता है तो हमने हेक्सागोनल लैटिस के ऊपर सिलिकॉन लैटिस को डाल दिया है सो so, आ, इसके वजह से आ, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है सो दैट इज बाई इट इज कॉल्ड हेड्रोएपिटैक्सी तो यहाँ पे ये देखिए दिस इज मो एपिटैक्सी तो यहाँ पे इसका जो लैटिस है वो मैच हो रहा है हमने गैलियम को लिया है a, is, uh, तो हम देख सकते है कि इसका, इसका. जबकि हेड्रोलिटैक्सी में ह्यूज लैटे मिस मैच होता है सो यू कैन सी दैट सेफायर यूज किया है फायर का स्ट्रक्चर ऐसा है एंड गैलियम नाइट्राइट का गैलियम नाइट्राइट का जो लैटिस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है तो यहाँ पे हमारा मिसमैच हो रहा है ये रेड लाइन सब देख सकते हैं जिसके वजह से यहाँ पे डिफेक्ट जनरेट हो जाते हैं सो सो हैपेटासी में हमें कुछ प्रॉब्लम्स uh, का ध्यान रखना पड़ता है ट मस्ट बी फिजिकली एंड केमिकली इनर्ट तो जब हम ग्रो कर रहे हैं तो हमारा जो सबस्टेट होता है इट शुड बी इनर्ट नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी बिटवीन द मटेरियल्स जैसे हम uh, अभी ग्रो कर रहे हैं सिलिकॉन और सेफायर तो इन दोनों को कंपेटेबल होना चाहिए है नहीं तो हमारा क्या प्रॉब्लम होगा कि कंपाउंड uh, फॉर्मेशन हो जाएगा और या तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ वन लेयर बाय अदर हो जाएगा तो वो कंपाउंड को हमें फॉर्म नहीं करना है क्योंकि हमें एक हाईली प्योर लेयर चाहिए है जिसमें हम सर्किट्स को बिल्ड कर सके तो दैट इज वे देर शुड बी कंपेटेबिलिटी बिटवीन द मटेरियल्स एंड द थर्ड इज थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स तो थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम लोगों ने जैसे सबस्ट्रेट uh, को कूल cool डाउन किया तो अः uh, हमारे इंटरफेस uh, में स्ट्रेस जनरेट होने लग जाएगा जिसके वजह से डिसलोकेशंस uh, हो सकते हैं और स्ट्रक्चर ब्रेक भी हो सकता है सो वी नीड टू अवॉइड दैट तो थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स का इसमें ध्यान रखना पड़ता है ये जो सारे प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड सी है ये सब भी हमें होमो में देखने नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि होमो एपिटैक्सी में जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका सेम रहता है तो हमें कंपैटिबिलिटी बिटवीन द मटेरियल्स या थर्मल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स का ध्यान रखना ही नहीं पड़ता है सो दैट इज वाई ये सारे प्रॉब्लम हमें सिर्फ हेट्रो एपिटैक्सी में मिलेंगे नेक्स्ट इज सी एंड लिक्विड फेज एपिटाक्सी सो ये तीनों मेथड uh, से हम एपिलियर uh, को ग्रो कर सकते हैं सो so इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू